और कोई साथ देखा शीश हो गया हाँ जी हाँ जी यहाँ से ले लेते फिर आपके पास शीशा दिखाया गया पहली बार ये शीशे यदि बने तो मौजूदा शीशे खत्म होंगे यही आशा के साथ और जो भाषा की बात की शायद वो मुर्दा बात है जिंदा भाषाएं किसी कटघरे में नहीं नए आगाज करती है और इस आगाज का सहारा हमको जिंदा होते हुए रंग भाषा में एक चौथाई सदी हो गई है 25 साल कोई कम नहीं होते और हम कमिट करते हैं कि जब तक हमको गोली नहीं मारी जाएगी हम ऐसे ही नाटक करते रहेंगे साथ ही धन्यवाद जी जो आपने बताया है ऑडियंस इसमें बहुत सी ऐसी है जो थिएटर से नहीं जुड़ी है तो उनके लिए थोड़ा सरल भी करें तो समझ आए प्रोनाउंसिएशन अलग मैटर है आप यहाँ खड़े होंगे स्टेज पे बोल रहे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आई सल्यूट ऑल ऑफ यू थैंक यू सर हाँ और कोई बात आपने बिल्कुल सही कहा ये विशेष आप ही के लिए है और बाकी मासिस के लिए की समझ में आने वाला नहीं चाहिए भी क्योंकि विचार कि मैं मानता हूं इसलिए हमने ये छोटा सा ऑडिटोरियम रखा है मंजूर जी अगर आसानी से समझ में आ गए तो बात क्या है देखिए जी ये अश्विनी जी हैं अगर ये ना होती हाँ तो ये उपभोग हो जाता जी बॉडी वर्ल्ड वर्ल्ड बॉडी दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और एक इमेज बनाते हैं विजुअल इमेज बनाई है और वो इमेजेस जुड़ती हैं तो नहीं कहना चाहिए बल्कि 90% एब्स्ट्रैक्ट आपने बनाई है उस एब्स्ट्रैक्ट को याद रखना बिना क्यों के असंभव और उन्होंने संभव बनाया एक तो मैं बधाई देता हूँ कुछ लोगों की जो शिकायतें हैं वो इतनी नाजायज भी नहीं है बिल्कुल सही बात वो नाजायज इसलिए नहीं है कि कंटिन्यूटी में कहीं ना कहीं कमी खलती है कहीं आप दास प्रथा में चले जाते हैं कहीं आप यहाँ आ जाते हैं और आपकी जो रोमानियत है जो लास्ट में गाना आता है वो उस पूरे प्ले के तीखेपन को कम करता है वो नहीं होना चाहिए क्योंकि आप तीखे सवालों के साथ बाहर निकले महेश भाई हमको आज से नहीं बहुत सालों से जानते और गर्व की पहली प्रति इन्होंने मुझे दी थी मेरे घर आकर के और तभी सवाल यही थे और जो वर्ड है ना जो टिपिकल हिंदी के खास खास भारी भरकम बनाए हैं वो डिक्शनरी से निकाल 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 के और कहीं उर्दू में उसमें थोड़ी सी लय की कमी खलती है वो ये शब्दों की हमें जो कहे मैं इसको ये कहूँगा आशीष उपयुक्त शब्द है इसको 25 साल लगे महेश भाई के मुखमंडल से हम तक पहुँचने के लिए तो ये भी हिंदी रंग जगत की एक हमारी विशेष सिंगल पर्सन नॉट अ सिंगल कैरेक्टर आई सॉ जो कहीं पर भी फ्लिक किया द हार्ड वर्क द एफर्ट जितना भी आप लोगों ने रिहर्सल किया वो एक एक सेकंड दिखता गया हम उनका नाम है तुषार मस्के ये मराठी मातृभाषा इनकी मराठी है और ये पिछले 3 साल से मेरे साथ दो रोटी के बल पर केवल और केवल रंगकर्म कर रहे हैं और मैं फिर बता दूं तो प्रस्तावना में नहीं आए थे हम किसी सरकारी गैर सरकारी किसी भी तरह के कॉरपोरेट नॉन कॉरपोरेट फंड नहीं लेते क्योंकि हम ये मानते हैं कि जनता हमें चाहेगी तो खड़ा करेगी नहीं चाहेगी तो मर जाएंगे नहीं तो रेलेवेंस क्या है हम दूसरे हमारे कलाकार हैं जो छोटी सी आपको दिख रही हैं इनका नाम है इनको मैं काकू कहता हूं और इनका नाम है साइली पावस्कर और इनकी मातृभाषा तीसरे हमारे जो कलाकार हैं ये भी हमारे साथ रंग कर्म कर सिर्फ रंग जी सिर्फ रंग कर वही खाती है वही पहनती है और 1 रुपये का अभी तक हमारे पास किसी को ऊपर कर्जा नहीं है ये सबसे बड़ी बात है और इस बारे में हम संवाद करना चाहते हैं और कल मैं बता दूं कल कलाकारों को जो साजिश चल रही है कि उनको प्रोडक्ट बना दिया जाए
मुझे नहीं मालूम बीबीसी ने सर्वे करा के क्यों सदी के महानायक बनाया गया, और मुझे वो सदी का महानायक कलाकार की बजाय 2 रुपये की मैगी बेचता मिला, ये मुझे दुख। व्यक्तिगत किसी बारे में बात कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, और कला और कलाकार के बारे में हमारा कल नाटक है अनहर्ड नाद अनहर्ड साउंड्स ऑफ यूनिवर्स, आप अवश्य देखने आइए, मजा आएगा। जी नेक्स्ट है, इनका नाम है इनको मैं कठोर कहता हूँ, इनका नाम है कोमल खामकर, इनकी मातृभाषा भी मराठी है, और ये ट्रेन पिछले दो साल से हमारे साथ मिट्टी की खुशबू ले रही है देश पूरे देश में। एक जिनके लिए कल का नाटक लिखा गया, आपको मालूम है आजकल सुपरस्टार इंडियन आइडल, एक फिल्म की हीरोइन, एक फिल्म का हीरो, एक विज्ञापन, उसके बाद वो कलाकार कहाँ जाते हैं मुझे नहीं मालूम। मैंने समाज के हर हिस्से में बहुत नाटक लिखे, आपने कहा एक मेरा नाटक है मेरा बचपन 10 सेकंड में सूचना, 12,000 से ज्यादा प्रयोग हुए उस पे सड़क, इस दिल्ली का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां मैंने नाटक नहीं किया, और वहां उस नाटक को देख के और शामिल होकर 50,000 बाल मजदूरों ने स्कूल में जाना शुरू किया है, कुछ हमारे साथी बैठे हैं जो उस प्रक्रिया को जानते हैं। हम है। ऐसे में महाराष्ट्र का सुपरस्टार, एक कॉम्पिटिशन उन्होंने जीता, जी टीवी के बहुत नामचीन सीरियल किए, उसके बाद मक्खी के तरह उठा के फेंक दिया, और वो गर्भ नाटक ऐसे उन्होंने देखा, वो आई और हमने कला और कलाकारों की उन्मुक्तता पर नाटक लिखा, और जिस व्यक्ति के लिए लिखा गया वो ये है, इनको मैं महामाया कहता हूं, ये भी मराठी स्पीकिंग है और ये सो कॉल्ड ट्रेन एकेडमी से है जिसके अध्यक्ष डायरेक्टर बनकर बैठे हैं, ओके, इनका नाम है योगिनी चौक। अब पिछले 5 साल से इस नाटक में ये जो लड़की बोल रही है छोटी सी, ये मेरी बेटी है, और ये बहुत ये बहुत शालीनता से खड़े हुए हैं, ये मेरे पिताजी हैं। और 12 अगस्त 1992 को ये कहा था नाटक करना है और अलग दुनिया कहनी है और ट्रस्ट बनाना है या जो भी फॉर्मेलिटी होती है, थोड़ा सा 10-20 रुपया दे दीजिए, पापा ने कहा ले लीजिए। और आप हैं जो कबीर की तरह अपना घर जला करके कहते हैं जो जाले अपना घर चले हमारे साथ, वो ये। और मेरे दोस्तों मैं एक और सूचना दे दूं, तेरा श्रेणी था थोड़ी थोड़ी सूचना भी गूगल कीजिएगा मिलेगा, मैंने 28 देशों में नाटक किए आज और एक पैसा खर्च नहीं किया,